हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 सर्किल चैप्टर का 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। एक पॉइंट क्यू है सर्कल पे, उस पर से एक टेंजेंट पारा गया। पॉइंट क्यू है, उस पर से एक टेंजेंट पारा गया। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पारते, इसलिए दो टेंजेंट पार दिए। टू ए सर्कल इज 24, उस टेंजेंट का जो है सर्कल पे लेंथ 24 है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू का डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमारे को सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। हम 10.1 में थ्योरम पढ़े थे कि टेंजेंट पे एक रेडियस गिरता है तो वो परपेंडिकुलर गिरता है और 90 डिग्री फॉर्म करता है वो। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री फॉर्म किया, तो ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेस और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल क्यू, इसका नाम दे दीजिए पी ओ, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन फाइंड बेस ऑफ ट्रायंगल क्यू पी ओ, दैट इज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, जो कि सर्किल का रेडियस होगा। तो क्या हो जाएगा, यह हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो इक्वल टू बेस का स्क्वायर। क्यू ओ का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा ओ पी का स्क्वायर। क्यू ओ है मेरा 25 का स्क्वायर माइनस 24 इसका स्क्वायर इक्वल टू ओपी नहीं दिया हुआ इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। अब 625 माइनस 576 करेंगे तो हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 और 11 में से 4, 79 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर लेकर आएंगे रूट अंडर 49 इक्वल टू ओ पी, ये हो जाएगा। अगर रूट में से निकलता है तो प्लस माइनस में दोनों में होता है 7 इक्वल टू ओ पी, यानी कि ओ पी बराबर मेरा हो जाएगा 7 आंसर, जो कि रेडियस होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।